चैनल सीरियस फ्लेवर अगेन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं रिकवर हो रही थी एंड आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक मैं 15 डेज बाद ब्लॉग बना रही हूँ, 15-16 डेज बाद। तो फिर आज हम वैसे यहाँ बैसाखी भी निकल चुकी है तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा बैसाखी लाइक अभी देख रहे हैं कि हम गुरुद्वारे जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे है हमारा प्लान कि गुरुद्वारे जाएंगे हम एंड अभी यहाँ पर किसी ने एक रेस्टोरेंट खोला, कोई इंडियन है, तो हम सोच रहे हैं एक बार वहाँ भी विजिट करके आते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐड डाली थी तो हमने कहा एक बार विजिट कर लेते हैं कि कैसा है क्या है। तो ठीक है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं एंड उसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारे क्योंकि वहाँ बैसाखी सेलिब्रेट हो रही है और देखते हैं फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको बताती रहूँगी। और आज काफ़ी टाइम बाद अच्छा लग रहा है ब्लॉग करके एंड अभी काफ़ी रिकवर हो रही, थोड़ा पेन है मुझे अभी बाहर का ज़्यादा खाना वाना नहीं है और मैं ना मैं खा रही हूँ ज़्यादा कुछ भी नहीं ज़्यादा, मैं मतलब घर का ही खाती हूँ तो क्योंकि अभी रिकवर हो रही हूँ। 2 महीने तक काफ़ी मतलब उन्होंने बोला है कि बाहर का अभी इतना अवॉइड करना है, ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये लोग जा रहे हैं, ये लोग खाएंगे, इनको देख लूँगी या कोई बात नहीं, दे चलेगा, रिकवर तो होना ही है जल्द से जल्द। तो हम चलते हैं और काफ़ी टाइम बाद सबसे मिला भी देती हूँ मैं। आज सबके साथ हेलो बोल दो, बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना। काफी टाइम बाद ब्लॉग बन रहा है। क्या क्या बोल रहे हो? हैप्पी संडे। हैप्पी संडे, यस, टुडे संडे आल्सो, संडे आज। एंड यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, ठंड है, अप्रैल है, अप्रैल एंड होने वाली है बट यहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी मतलब गर्मी का तो कोई नाम निशान नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वेदर बाहर का, और ये देखो सारे बादल नीचे आए हुए हैं, देखो साइड में दिख रहा होगा, वो देखो मतलब पहाड़ नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल, देखो बाहर का कैसा हो रहा है। तो ये लग भी नहीं रहा कि अप्रैल चल रहा है इस टाइम यहाँ पर, पता नहीं अब गर्मी आएंगी कब आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी कुछ नहीं पता। एंड बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ का, वैसे वेदर अच्छा लग रहा है, जैसे मसूरी टाइप वैसे होता है ना, जैसे बादल नीचे आ जाते हैं बिल्कुल वैसा ही है सारा। माउंटेन्स है ना क्योंकि साइड में ये देखो ऊपर ऊपर पूरे बादल नीचे आए हुए हैं। ज्यादातर कलरफुल हाउस दिखेंगे, बहुत प्यारे लगते हैं ये है, जाना इसलिए जाता है ना न्यूफाउंडलैंड कलरफुल हाउस के लिए, बहुत प्यारे लगते हैं, सब कलरफुल होंगे ज्यादातर, देखो येलो मैरून ग्रीन ब्राउन। ये हम डाउनटाउन में आ गए हैं तो डाउनटाउन ये तो बिल्कुल ही स्लोप में नीचे की तरफ जाके आराम से ने खोला है कोई इंडियन ने, तो ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास में ही बस पहुंच गए हम ऑलमोस्ट। तो कितने प्यारे घर लग रहे हैं यहाँ पर, सारे कलरफुल घर हाउस आ गए हैं, डाउनटाउन कितना सुंदर लग रहा है सीरियसली, डाउनटाउन यहाँ का बहुत प्यारा, वो आगे भी आप देख सकते हैं थोड़ी दूर जाके कितने प्यारे प्यारे सारे कलरफुल हाउसेस। तो अब यहाँ से अब बैक कर लेंगे एंड ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा पता नहीं माउंटेन्स हैं सारे, सी अप्स डाउन अप एंड डाउन, ये है और ये डाउनटाउन आगे सामने बिल्कुल पूरी रोड डाउनटाउन की है। चला गया कह रहा कहीं पे कहां सामने सामने कैच उसे राइट, तो ये पार्किंग का है, उसे दुकान के आगे लगाते फिर घुमा के आके आगे ला, हां ये लग रही यहां पे कितना प्यारा लग रहा है। ये किसी का घर है आई थिंक, इधर आना है हमें और यहां पर पार्किंग नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, देखते हैं कहाँ पार करते हैं फिर हम अंदर जाएंगे। लेफ्ट लेके लगा सकते हैं कि नहीं, उसे भी लगा रखे नहीं, लेकिन वहाँ लिखा है नो। डाउन टाउन में पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है हमेशा से ही, ज्यादा लोग आ गए क्या? व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड, हां
इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पीछे अकेले, मतलब क्यों बैठा हूँ मैं। बाय परमिट चलो पहले पार्क कर लेते हैं। अरे अंदर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, कौन कहता है अप्रैल है। अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पर हमें आना था, और हम आए तो अभी ज़्यादा खाली खाली था, लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा रश हो गया था एंड मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। बस हमने अंदर आए, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंडियन ग्रॉसरी वगैरह भी इन्होंने रखी हुई थी, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना ऑर्डर दिया एंड ऑर्डर देने के बाद फिर हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे। यहाँ पर आइलैंड सीट्स थी, ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट था, आइलैंड सीट्स थी, सो हम लोग वहाँ बैठ कर जाके। What are you doing? You waiting for your food? Are you waiting for your food? Waiting, sorry. Waiting for food. Food is not here. We are waiting for so long. Yes. Daddy. Where is daddy? Daddy. Wait. Meri aankh kyun maar raha hai? Daddy. Okay, daddy. G for? Go. Go. Oh, go. Action to dekho. Go. G for? Go. Oh, achha, udhar se bhi jayega. Achha, M for? Mama. एंड हमने पूरे एक घंटा वेट करी फूड की। सीरियसली बहुत देर लगा दी थी इन लोगों ने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मे बी, इसलिए थोड़ा फंबल हो ही जाते हैं। उसके बाद हमारा फूड आया और हमें गुरुद्वारे भी जाना था, बट टाइम निकल चुका था और हम गुरुद्वारे नहीं जा पाए, और हम इसलिए हमारा सबका मुँह लटका हुआ था। एंड मुझे उसके बाद फूड की वीडियो भी बनानी थी, बट मैंने कुछ नहीं बनाया, हमारा मूड ऑफ हो गया था। हमारे फ्रेंड्स भी हमारा गुरुद्वारे में वेट कर रहे थे, हम वहाँ नहीं जा पाए, टाइम इतना निकल गया था, बहुत लेट कर दिया था। लुक एट दी वेदर, कितना सुंदर वेदर हो रहा है। वाओ, बहुत हवा चल रही है, ये अप्रैल है, पता नहीं यहाँ गर्मी आएंगी भी या नहीं। देखो पहाड़ के बिल्कुल बादल नीचे आए हुए हैं। घर आ चुके थे एंड सबका मूड ऑफ था, क्योंकि हमें गुरुद्वारा भी जाना था और उन्होंने इतना लेट कर दिया था। हाँ, हमें लाइक जो भी मतलब फूड हमने जो भी ऑर्डर करे थे उस सबके बहुत लेट कर दिया था। हम एक डेढ़ घंटा वहाँ वेट किया, हमने सब कुछ लाइक टेस्टी था। मैंने वीडियो उसके बाद आके नहीं बनाई, क्योंकि मन ही नहीं किया। उसके बाद फिर हम सब सो गए, और आज मुझे बहुत कुछ कैप्चर करना था जो कि मैं नहीं कर पाई, और कोई नहीं, आगे चांस मिलेगा आगे कर लूँगी कैप्चर। सो वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि अब बियर भी प्रिपेयर करना है मुझे, और बस इतना ही था आज का ये ब्लॉग छोटा सा, और अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट देने का। सो टेक केयर, बाय बाय।